अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं M3 स्मार्ट बैंड की अपना पर्सनल रिव्यू या ओपिनियन लेकर आया हूँ, जो कि है कॉपी MI3 स्मार्ट बैंड की। दोस्तों अगर आप M3 स्मार्ट बैंड परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा शायद वो आपको परचेज़ करने पे मजबूर कर दे, शायद वो आपको परचेज़ करने से रोक ले। तो ये जो स्मार्ट बैंड है ये मैंने 2 हफ्ते पहले परचेज़ किया और इसको मैंने यूज़ करने के बाद जो मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शेयर करने से पहले दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको जाके क्लिक करो। साथ में जब भी बेल का ऑप्शन आएगा ना क्लिक करने के बाद तो उसको भी क्लिक कर देना। तो उससे होगा क्या कि जब भी मेरी न्यू रिव्यू आएगी तो वो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस M3 की स्मार्ट बैंड की प्राइस, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग पूछने वाले होंगे कि इसकी प्राइस क्या है और आपने कितने में परचेज़ की। मैंने इसको परचेज़ किया है 700 में, आपको हो सकता है मिल जाए 500 से लेकर 1500 तक। मैं आपको बताऊंगा कि रियल या फेक को आपने कैसे मालूम करना कि ये रियल है या फेक है। दोस्तों यहाँ पर इसके बॉक्स पे काफ़ी फीचर्स, काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, बैक पे वगैरह देखें और फ्रंट पे भी देखें तो काफ़ी चीज़ें लिखें, मगर मैं यकीन मानिए इनमें से ये कोई भी फ्यूचर इसका जो है या फंक्शन है वो काम नहीं करता। अगर बॉक्स में देखें तो बॉक्स में आपको सिर्फ एक स्मार्ट बैंड और साथ में एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। यूज़र मैनुअल कुछ काम का है, वो इसलिए काम का है कि जब आप अपने सेलफोन के साथ फिट प्रो की जो ऐप है कनेक्ट करेंगे अपने स्मार्ट बैंड का, तो उसमें यहाँ पे इसमें QR कोड है तो वो कनेक्ट करने के दौरान आपको इस्तेमाल होगा या यूज़ होगा। बाकी स्मार्ट बैंड की बात करें तो रियल और फेक में कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको कैसे मालूम करना है कि रियल फेक है, आपने क्या करना है इसको ऑन करना है और यहाँ पर जो इसका ब्लड प्रेशर मेजर करता है उसको ऑन कर लेना है। उसको जब ऑन करेंगे ना, जब आप ब्लड प्रेशर को ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन कर लेगा, रियल में भी ऑन करेगा फेक में भी ऑन करेगा, मगर फेक में आपको रेट जो मेजरमेंट है वो दे देगा, जबकि अपने हाथ पे बांधी भी नहीं होगी, आपने यूं ही ओपन छोड़ें तो आपको ये मेजरमेंट दे देगा। रियल क्या होगी, रियल आप लाइट करेगा, लाइट्स वगैरह आने होंगी, सेंसर वगैरह एक्टिव होगा, मगर आपको कोई रेटिंग या कोई मेजरमेंट आपको नहीं देगा, ये कुछ मिनट्स रिप्लिंग करेगा उसके बाद आपको रीडिंग दे देगा। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जैसे कि यह अभी मेरी रीडिंग आप बता दिए 73 समथिंग है, तो ये देखें अभी मैंने ये पल्सेस पे बांधी भी नहीं थी, अपने हाथ भी बांधी नहीं थी, तो ये जो रीडिंग दे रहा है, तो यहाँ से आपको रियल और फेक में आपको अच्छी तरह पता चलेगा। बाकी जो अगर आप एक स्मार्ट बैंड ढूंढ रहे हैं अपने स्टेप मेजर करने के लिए, रनिंग के लिए या अपने स्पोर्ट्स के लिए, रनिंग मतलब स्पोर्ट्स के लिए ढूंढ रहे हैं, तो ये स्मार्ट बैंड बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट नहीं है। उसकी रीज़न ये क्या है कि जितने भी आप स्टेप्स लेंगे तो ये उससे ज़्यादा बताएगा, मतलब मेजरमेंट इसकी गलत है। स्विमिंग करेंगे या बाईसाइकिलिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, स्टेप्स वगैरह काउंट जो भी आपने करना है फ्यूचर इस पर, इसका फंक्शन यूज़ करना है या फ्यूचर यूज़ करना है, तो वो सारे गलत बताएगा। 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे तो वो आपको तो बिल्कुल नहीं, मतलब जो आपको बॉक्सेस पे इस फ्यूचर देखे गए वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले। हाँ, अब परचेस किस वजह से कर सकते हैं, अगर आप परचेस एक लाइक फैशन के लिए करें, दिखावे के लिए करें, तो ये स्मार्ट बैंड ओके है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि आप ये जो मेजरमेंट कर रहा है ब्लड प्रेशर का, स्टेप्स का, रनिंग का जो भी है वो सही कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो आपको ही पता है, तो आप दिखावे के लिए पहन सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो मुझे सबसे अच्छा फ्यूचर लगा जिस वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि आप अपने सेलफोन को साइलेंट पर रख सकते हैं, अपने सेलफोन से ब्लूटूथ के थ्रू इस स्मार्ट बैंड को कनेक्ट करें और जो भी आपकी कॉलिंग कॉल आएगा, SMS आएगी, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। अगर आपने कॉल पिक करनी है तो अपने फ़ोन से पिक कर लें, SMS का रिप्लाई देना है तो दे दें, तो मतलब आपको यूज़लेस कॉलिंग कॉल की जो है ना बार बार आपको मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको चेक करने की ज़रूरत है SMS की। तो ये वाला फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बैटरी की बात करें तो लगभग आप अच्छी तरह इसको चार्ज करें तो ये 4 दिन गुजार लेती है। बैटरी कॉपी के मटेरियल में ये ओके है, ओरिजिनल का मैंने सुना है 1 हफ्ता, मगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, 1 हफ्ते गुजारती है, मगर ये कॉपी में 4 दिन भी इनफ है और बैटरी आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसकी जो चार्ज करने का तरीका है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप जब इसको निकालते हैं चार्ज करने के लिए तो वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से आपको बेंड करना होगा और यहाँ से निकाल के यूं करना होगा, मतलब यहाँ पे आप लगा के प्लग कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे 2 हफ्ते मैंने यूज़ किया है तो इसके जो ये वाला कवर है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे बार बार निकालने से इसकी जो है लूज़ हो गया है, और क्योंकि ये रबड़ भी टफ है, सख्त है, और ये प्लास्टिक भी काफ़ी नॉर्मल सा है क्योंकि कॉपी मटीरियल है। तो अगर आप परचेज़ कर लिए हैं एक दिखावे के लिए या जो मैंने ब्लूटूथ का फंक्शन बताया तो उसके लिए परचेज़ करें तो वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी अगर आप चाहते हैं नहीं
मैं एज अ स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की जो फ्यूचर है, स्टेप्स वगैरह का मेजरमेंट सारी करनी है वो मैंने काउंट करनी है, तो ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा प्रेफर करेंगे आप जो है ओरिजिनल परचेस कर लें या कोई और स्मार्ट बैंड ढूंढ लें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी जो ओपिनियन है वो आपको आपके लिए यूज़फुल होंगे या आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक से मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को जो है मेरी वीडियो पसंद आई। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक करके जाएंगे, सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।